आज हम बनाएंगे फेमस हैदराबादी हरे मिर्च का सालन, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफली हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसे हम हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे और जब इसका छिलका चटकने लगे तो आप यहाँ आप समझिए कि मूंगफली रोस्ट हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम आधा चम्मच तेल डालेंगे और दो बड़े चम्मच तिल के लेंगे। यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है और इसे भी हम भून लेंगे। आँच को मीडियम रख के हम इसे भूनेंगे और जब हल्का सा कलर चेंज करने लगे तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम नारियल भी लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून नारियल का लिया है। आप यहाँ पे कच्चा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। मूंगफली ठंडी हो गई है, अब हम इसका छिलका अलग कर लेते हैं। अब एक जार में हम इन तीनों चीज़ों को डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे, हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा पेस्ट ही बनाना है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, ये मोटी वाली हरी मिर्च है। इसको हमने धो के अच्छी तरह से कपड़े से सुखा लिया है। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसमें हम हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। इसको हम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से हो जाए तो इसका को पलट देंगे हम। ये अभी देखने में इसका कलर ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम मसाले में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। हरी मिर्च फ्राई हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आधी चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा, इसे हम तेल में डाल देंगे। और 1-2 सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। जब ये भून जाए तो हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। यहाँ पे हमने 12 से 15 करी पत्ता लिया है। जब करी पत्ता फ्राई हो जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। अब हम इसमें वही पेस्ट जो हमने पीसा था, अब हम इसमें वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हरे मिर्च लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। अब उसी जार में हम थोड़ा सा पानी लेके इस पेस्ट में डाल देंगे ताकि हमारा पेस्ट जले नहीं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। इसमें हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है।
एक चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे, एक टी स्पून डालेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून इमली का पल्प लिया है, इमली को हमने पानी में भिगो दिया था, उसको छान के उसका गूदा निकाल लिया है। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च को डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें एक बड़ा टमाटर भी काट के डाल देंगे। आप चाहें तो इसे बिना टमाटर के ही बना सकते हैं, लेकिन टमाटर से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे। तेल देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अब बस ये हमारा सालन बनके तैयार है। हम इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप इसे नान, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और ये हैदराबाद की तो बहुत ही फेमस डिश है जो वहाँ पे शादियों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही अगली वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। तो ये तैयार है हमारा हरी मिर्च का सालन, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है।